आइए साथ साथ मंत्रोच्चारण प्रारंभ करते हैं। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 43rd एपिसोड में आप सभी आत्मीय स्वजनों को मेरी ओर से शत शत नमन वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन। एक प्रसिद्ध शिकारी था। शिकार करने के लिए अलग अलग दिन अलग अलग जंगलों की ओर रुख करता था और उसकी बड़ी रुचि रहती थी कि वह नए नए जानवरों का नए नए पक्षियों का शिकार करे और उस शिकार को राजा के पास पहुंचाए। रोज ऐसा ही करता था। उसके लिए राज्य ने भी कुछ ऐसा छूट दे रखा था कि वह जिस जंगल में चाहे उस जंगल में जाकर शिकार करे और प्रत्येक दिन जैसे ही नया शिकार कर ले तो दरबार में पहुंचा दे। एक दिन वह किसी नए जंगल में जाता है। काफी देर तक घूमता रहता है, इधर जाता उधर जाता, खूब भटकता रहता है, लेकिन उसको एक भी नया जानवर या कोई नए पंछी नहीं मिलते। तो एकदम थका मादा एक जगह पर बैठ जाता है। देखता है कि सामने एक खोपड़ी पड़ी हुई है और जब व्यक्ति कई बार एकदम थक जाता है और जब किम कर्तव्य विमूढ की अवस्था में होता है तो कुछ का कुछ बोलने लगता है और कई बार व्यक्ति को मजाक भी सोचने लगता है।
कोई व्यक्ति लिख रहा होता है तो बस उसमें पता नहीं कुछ का कुछ लिखने लग जाता है, कभी कुछ बनाने लगेगा, कभी कुछ बनाने लगेगा। मैं अपने ऑफिस में भी देखता हूँ, मेरे कई भाई बहन ऐसे हैं कि उनको कोई काम दिया होता है और संभवतः कभी कभी थक जाते हैं, तो कोई वहीं पर फूल बनाने लग जाएंगे, कोई कुछ बनाने लग जाएंगे, कोई वहीं पर ओम के अलग अलग आकृति बना, ऐसे ही मतलब जो मन में आ गया वही बनाने में लग जाएंगे। घंटों निकल चुका होता है, उनको पता ही नहीं होता, लगे होते हैं। और कई बार व्यक्ति क्या करता है कि जब बहुत ज्यादा थक जाता है या बहुत ज्यादा अंदर से परेशान होता है तो बाथरूम में अगर जाएगा तो वहां पर शीशा हो तो शीशा में देखता ही रह जाएगा, देखता ही रह जाएगा, देखता ही रह जाएगा। जब मैं हॉस्टल में था, पढ़ाई करता था, तो एक मेरा मित्र था, वह अगर बाथरूम जाता था तो बाथरूम के शीशे के सामने आप लोग विश्वास करेंगे कि दो दो घंटे तक बस ये चेहरा धुलता रहता था, इधर से धुल लिया, उधर से धुल लिया, फिर करता था, फिर इधर कर लिया, फिर उधर कर लिया, लगाए रहता था, लगाए रहता था, है ना। और एक बार मतलब फिर कुछ लेप लगा लिया, फिर उसको धुल लिया, फिर दूसरा लेप लगा लिया, फिर इधर देखेगा, उधर देखेगा, ऐसा करके देखेगा, वैसा करके देखेगा, लगाए रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे करने में लगे रहते हैं। और कई लोग होते हैं तो वो अकेले में कुछ बोलने लग जाते हैं, कई लोग कुछ गुनगुनाने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि या तो व्यक्ति अपने को ईश्वर के सुमिरन में व्यस्त कर दे, उसमें अव्यस्त हो जाए, तब तो जैसे ही समय मिले वो तुरंत ईश्वर सुमिरन में लग जाता है, वैसे ही वह तप स्वाध्याय ध्यान की ओर प्रवृत्त होता है, नहीं तो उनके लिए आराम हराम बन जाता है। जो ईश सुमिरन कर लेता है, जिसको तप स्वाध्याय ध्यान का पता है, उसके लिए आराम का मतलब कार्यांतर, उसके लिए कार्यांतर ही विश्राम है, अन्यथा आराम हराम बन जाता है। तो ऐसे वह शिकारी भी जंगल में जब कुछ भी नहीं हो रहा है, अब करे क्या, वो सोचता है कि अब कुछ कुछ बोलता रहेगा, फिर अचानक उसके सामने एक खोपड़ी दिखाई देती है, कंकाल। तो कंकाल को ऐसे ही मतलब जो उसके हाथ में कोई डंडा उंडा रहा होगा, डंडे से फिर ऐसे ही स्पर्श करता है, और फिर स्पर्श करके जो है फिर कहने लगता है कि अरे खोपड़ी, है ना, तुम कौन हो, ऐसा बोलता है। अब खोपड़ी क्या, उसको ऐसे मस्ती में, मस्ती सोच रहा था, बोलता तुम कौन हो, तो तुरंत वो जवाब देती है कि मैं फला हूं। वो एकदम चौंक जाता है, अरे ये क्या हुआ। तो फिर वो तुरंत, अब क्योंकि बातचीत प्रारंभ हो गई तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, है ना, जब बातचीत करने के लिए कोई बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। जब मैं पद्मोदय हाई स्कूल में पढ़ता था तो हमें एक सर पढ़ाया करते थे, जहां तक मुझे नाम याद है उनका, अगर मैं ठीक ठीक कह रहा हूं तो पुरुषोत्तम ऐसा कुछ उनका नाम था। तो सर एक दिन हमें ऐसे कहानी सुनाने लग गए, तो बोले कि तुम लोग एक कहानी बताता हूं मैं। बोले कि हाँ सर बताइए। कि एक व्यक्ति मुंबई चला गया और जैसे वो घर लौट करके आता है, लौट कर आने के बाद पति पत्नी दोनों, क्योंकि गांव में जहां पर आग जलाते हैं उसके अगल बगल में लोग बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं, अधिकतर जगह पर यह प्रचलन है। तो जो है विदेशों में जहां जो ठंडे प्रदेश है, ठंडे देश है, वहां पर आग जलाते हैं बाहर और सारे लोग उस आग के आस अगल बगल में बैठ जाते हैं, ऐसा प्रचलन है। और इधर भारतवर्ष में जो है जहां पर आग को जलाया होता है, जहां पर खाना आदि पकता है, तो गांव में ग्रामीण इलाके में लोग उसके अगल बगल में बैठते हैं। तो पति पत्नी बैठ गए, बच्चे भी वहीं पर बैठे हुए थे, बातचीत शुरू होती है।
कुछ तो बात करनी पड़ेगी। अब वो अपना अनुभव बताने लगता है, पत्नी भी पूछती है, बच्चे भी पूछते हैं, हाँ आप बताइए ना, बताइए आप मुंबई गए थे, मुंबई कैसा है, वहां पर आपने क्या क्या देखा, आप कई वर्षों के बाद घर लौटे हैं तो वहां पर कैसा रहा आपका जीवन, आदि आदि पूछने लगते। वो कहता है कि देखो एक दिन की बात है कि मैं कमरे से निकला ऑफिस जाने के लिए, मेरे को पहुंचना था ऑफिस ठीक 9 बजे, क्योंकि ऑफिस में मुझे ही खोलनी थी, चाबी मेरे पास में रहती थी। अब मैंने देखा कि कमरे से निकलते ही 8:30 हो गया है, अब ऑफिस तक पहुंचने के लिए आधी घंटा लगेगा, लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे निकला मोटरसाइकिल लेकर के, सॉरी उस समय साइकिल बताते हो, साइकिल लेकर के मैं जैसे निकला, देखा कि बहुत आगे आगे तक बसों का जाम लगा हुआ है, बहुत ट्रैफिक है। अब मैं एकदम छटपटाने लगा, मैंने सोचा कैसे मैं जाऊं, कैसे पहुंचूं, क्योंकि 9 बजे तक ना पहुंचूं तो बॉस फिर सुनाने लग जाएगा, है ना, धमकाने लगेगा, तो फिर अब मैं करूं क्या। और फिर ऐसा ना हो कि कई लोग ऑफिस आने वाले लोग ऑफिस से लौट करके जाए, मेरे को नौकरी से भी निकाल दे, सब कुछ हाथ धोना पड़े, तो मैं बहुत विचलित हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं, एकदम मेरे दिमाग में एक विचार सूझा और मैंने साइकिल को ऐसे ऐसे उसको पूरा ऐसा घुमाया, है ना, ऐसा घुमाया कि उससे 15 बसों को एक साथ में लांग करके उसको पार करके मैं आगे पहुंच गया और 9 बजे से पहले पहले मैं ऑफिस पहुंच गया। पत्नी और बच्चे सारे के सारे एकदम चौंक गए, बोले कि अच्छा साइकिल लेके गए थे आप, क्योंकि साइकिल देखे थे उन लोगों ने, बोले हाँ साइकिल, तो बच्चे बोलते हैं कि पापा साइकिल में तो एक्सीलेटर होता ही नहीं, तो आपने क्या घुमाया, कैसे घुमाया, किस तरह की साइकिल है वो। पत्नी भी कहते हाँ ये कैसे हो गया, आपने कैसे कर दिया, ये तो कमाल कर दिया आपने, और इतने सारे बसों को लाभ करके आप एकदम आगे पहुंच गए। फिर वो कहता है अरे बच्चों मैं गफ कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, अभी ऐसे में बात कर रहा हूँ। तो मैं कोई वास्तविक घटना थोड़ी सुना रहा हूं, ऐसे मैं गफ कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, ऐसा कहता है। तो मित्रों अब उसने भी सोचा कि वो बातचीत में लग गया, खोपड़ी वहां पर पड़ी हुई थी, तो खोपड़ी से पूछा खोपड़ी तुम कौन हो। अब वो बोली कि मैं तो ये हूं। अब उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्या करे, क्योंकि बात करने के लिए बैठ ही गया, बात शुरू ही हो गई तो कुछ तो बोलना ही बोलना है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते, दो व्यक्ति बैठेंगे, है ना, दो सहपाठी हो, सहकर्मी हो या सहयात्री हो, कोई भी हो, दो जैसे साथ में बैठेंगे बातचीत शुरू होगी, अब क्या बात करेंगे दोनों को पता नहीं, एक कुछ बोलेगा दूसरे भी कुछ बोलेगा, तो फिर उसके बाद कुछ बोलेंगे, कहां से कहां पहुंच गए, क्या बोल रहे, किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वो गप है, इसको बोलते गप सप, है ना। तो ऐसे ही अब वो भी खोपड़ी के साथ लग गया, अब कुछ तो बोलना है, क्योंकि कुछ बोले वगैरह तो होगा नहीं, अब शुरू हो ही गई बात तो कुछ तो बोले, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। मेरे ऑफिस में एक भाई है, तो वह जैसे उसको कोई व्यक्ति उसके कुर्सी के पीछे से होते कोई गुजर जाए, बाथरूम जाएगा उससे भी कुछ प्रश्न पूछेगा, यदि कोई नया व्यक्ति उससे भी पूछेगा, अब पूछेगा क्या, वो कुछ भी पूछेगा, बोलेंगे आपकी एज कितनी हो गई, अरे भाई क्या लेना देना है तुम्हें एज की, या बोलेंगे घर पे, अच्छा आपके माता पिता हैं क्या अभी भी, ऐसा पूछेगा। ऐसे ही कई बार मैं भी बाहर निकलता था पहले, तो कभी कुछ प्रश्न पूछने लग जाएगा, पूछने कभी क्या पूछेगा पता ही नहीं, कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही पूछेगा वो। मैंने क्या शुरू कर दिया कि वो पूछने से पहले मैं खुद पूछने लगा, मैंने बोला कि अच्छा ये कहाँ नहीं, यहाँ नौकरी यहाँ पर कंधे में क्यों नहीं हुआ, अच्छा जाते उसको जैसे वो मेरी ओर देखता मैं तुरंत पूछता, अच्छा ये कहाँ नहीं, पीछे क्यों नहीं, आंखें पीछे क्यों नहीं, जैसे मैं बोला वो एकदम सोच में पड़ जाता था, जैसे सोचने लगता था फिर मैं आगे निकल जाता था। कई लोगों की नहीं अनावश्यक जिज्ञासाएं होती है, बहुत अनावश्यक जिज्ञासा है। एक बार ऐसे हुआ, एक व्यक्ति चल रहा था रास्ते में, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति चल रहे थे, दो बुजुर्ग बातचीत करते, एक जवान लड़का
भागते भागते आता है और पूछता है उससे कि अंकल जी टाइम क्या हो गया। उसके हाथ में घड़ी देख करके, अब वो बोले ना, चुपचाप बैठे एकदम, फिर चल रहा है टक टक टक। फिर पूछता है कि नहीं अंकल जी टाइम क्या हुआ अंकल जी, कुछ नहीं बोलता चुपचाप। दूसरा जो बुजुर्ग था शासन, वो देखता है क्योंकि उसके पास में घड़ी तो थी नहीं, फिर भी वो देखता है पता नहीं क्या चक्कर है। फिर तीसरी बार पूछता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन लड़के से कैसे व्यक्ति है। फिर दौड़ते हुए आगे निकल जाता है। दूसरे बुजुर्ग के मन में बड़ा आश्चर्य होता है, अभी तक तो ये भाई साहब ठीक ठाक बातचीत भी कर रहे थे मेरे से, है ना। और एक बच्चा जब पूछ रहा है कि टाइम क्या हुआ, बताने में इनका क्या बिगड़ जाता, बता देते कि ये टाइम हो गया, इसमें क्या क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बता नहीं रहे। तो उनके मन में बड़ी जिज्ञासा उठती है। फिर वो पूछते कि भाई साहब आपने क्यों नहीं बताया इसको कि टाइम पूछ रहा था, आप बता देते। तो बोलता है कि भाई साहब बात यह है कि ये टाइम जाने नहीं चाह रहा था। बोले अच्छा तो क्या जानने चाह रहा था। तो कहते कि पहले तो इसने पूछा कि टाइम क्या हुआ, अगर मैं बता देता कि टाइम ये हुआ कि अच्छा तो अंकल जी आप कहां तक जा रहे हो, ये पूछता। अब मैं उसको बता देता कि मैं वहां तक जा रहा हूं। फिर पूछता मेरे से कि अंकल जी अच्छा तो आप वहां क्यों जा रहे हैं, अब मैं कुछ बातें करता। फिर बोलता है अंकल जी मेरे को भी वहीं तक जाना है, चलो संग हो गया, अच्छा हो गया, हम लोग बातचीत करते करते रास्ता काट लेंगे, है ना, बातचीत करने लगेगा। फिर उसके बाद पूछने लगा कि अंकल जी आप रहने वाले कहाँ के हो, अब वो बता दूं मैं। फिर पूछेगा कि अंकल जी आपके घर पे कौन कौन है, मैं ये बता दूं कि मेरी पत्नी है, मेरी एक बेटी है, मेरा एक बेटा है। फिर पूछेगा कि अंकल जी आपके बेटे की शादी हो गई, मैं बोल दूंगा कि हाँ शादी हो गई, उसके दो बच्चे भी हैं। तो फिर वो पूछेगा कि अच्छा अंकल जी तो आपकी जो बेटी है उसका नाम क्या है, मैं वो भी बता दूं। फिर पूछेगा शादी हुई कि नहीं, फिर मैं बोलूंगा कि नहीं हुई। फिर बोलेगा अंकल जी उसका नंबर बता दो ना, मैं उससे बातचीत करूंगा। अक्सर ऐसा ही होता है, कोई व्यक्ति बात छेड़ देता है ना आपको चलते चलते, आप समझ जाना कि वो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ करने वाला है। जिस व्यक्ति को दूसरों के विषय में बहुत ज्यादा परवाह रहता है ना, जो व्यक्ति दूसरे के विषय में जानने के लिए निरंतर लगे रहते हैं ना, वो व्यक्ति कब क्या पूछेंगे कुछ भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको कोई उससे जान करके कोई लाभ थोड़ी होना है। जब वो जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं, दूसरों के इन्फॉर्मेशन लेकर के मुझे कुछ लाभ मिलना नहीं, ये पता ही नहीं, वह व्यक्ति कब क्या पूछे, कब क्या करे, कुछ भरोसा नहीं होता। जो व्यक्ति मौन रहता हो, जो व्यक्ति अपने में फोकस्ड रहता हो, बस उस व्यक्ति को ही यह पता होता है कि कितना इन्फॉर्मेशन लेना है और क्यों लेना है। इन्फॉर्मेशन का प्रयोग कहां करना है उसको पता होता है, औरों को पता नहीं होता। तो मित्रों अब वह व्यक्ति भी लग गया खोपड़ी के साथ में, अब खोपड़ी को पूछा कि नाम क्या है, अब उसने नाम तो बता दे, अब आगे बात तो करनी है क्योंकि ऐसे ही क्योंकि बकवास स्टार्ट किया था। तो अब फिर उसने पूछा कि अच्छा तो बहुत सारी बातें हुई। फिर उसके बाद वो कहता है कि अच्छा तुम्हारी ये गति कैसे हो गई। तो वो कहते हैं कि बकवास करने से, क्या कहती है, बकवास करने से। अब वो वहां से भागे भागे राजा के पास जाता है। दरबार में पहुंच करके राजा को कहता है कि महाराज आज मैं कुछ शिकार तो नहीं ले आ पाया, लेकिन आज एक ऐसी खोपड़ी मिली और खोपड़ी से मेरी बात हुई और ऐसे ऐसे खोपड़ी बड़े अद्भुत है महाराज। अब राजा कहते हैं कि अरे छोड़े फालतू की बातें, फिजूल की बातें कर रहा है। राजा ऐसा कहता है, फिर भी वो जिद करने लगता है, नहीं महाराज एक बार आप जरूर देखिए, क्योंकि जीवन में ऐसी चीजें दुर्लभ होती है, ऐसी चीजें कभी देखने को मिले ऐसा बड़ा मुश्किल होता है, एक बार आप चलो एक बार देखो। तो चूंकि शिकारी जाहिर था तो इसलिए राजा ने सोचा कि चलो ठीक है चल देते हैं। तो चले गए, जैसे उस खोपड़ी के पास में पहुंचे तो बोलता है कि महाराज अब आप शुरू कीजिए, आप पूछिए खोपड़ी तुम कौन हो। अब राजा ने पूछा ऐसे कि खोपड़ी तुम कौन हो, नहीं बोलते। राजा बोलता है कि नहीं मैं तो पहले बोल रहा था ना, तो ऐसे बोल रहा है। फिर बोलता है नहीं नहीं महाराज होता है, और आप पूछो, दूसरे पूछने लगे, रानी भी साथ साथ गई थी वो भी पूछने लगे, सब पूछने लगे, कुछ भी नहीं, खोपड़ी को इधर घुमाते उधर घुमाते कुछ भी नहीं होता। और अब वो राजा कहता है खुद तू पूछ करके दिखा दे। अब वो पूछने लगता है खोपड़ी तुम कौन हो, कुछ भी ना बोले। खोपड़ी तुम पहले तो बोल रहे थे, अब क्यों बातचीत नहीं कर रहे हो।
अब वो बोलती नहीं। हो सकता है पहले हेलुसिनेशन हुआ हो, बोलती नहीं, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है ना, जो चीजें होती नहीं लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो चीज जो है वो हो रही है, ऐसा नहीं। एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति बड़ा जिज्ञासु स्वभाव का था, पंडित था, तो लोगों ने कहा कि फला जगह पर तो भूत आता है, रात को यदि जाएंगे 12 बजे तो भूत आता है। तो उस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो फिर उसने कहा ठीक है मैं परीक्षण करके देखता हूं, यदि वहां पर भूत हो तो ठीक है, नहीं तो मैं वहां पर कील गाड़ करके आ जाऊंगा फिर बताऊंगा। तो रात को चला गया वो, वहां पर उसने कील जैसे गाड़ा, वहां पर देखा आसपास में कुछ भी नहीं, तो उसको लगा कि ये तो एकदम बकवास है, थोड़ा सा मतलब वैज्ञानिक सोच रखने वाला भी था। तो उसने वहां पर एक कील गाड़ा, पूरा कील गाड़ करके जैसे निकलने लगता है निकल ही ना पाए क्योंकि धोती पीछे फंस गई थी। जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि भूत है मेरे को पकड़ लिया। वो बेहोश हो जाता है। मित्रों दूसरे दिन जैसे लोग आते हैं देखते हैं तो तब भी होश नहीं पंडित जी को, फिर बाद में जैसे होश में आ जाते तो कहते हैं कि क्या हो, कहते हैं मेरे को भूत ने पकड़, बोलते भूत ने नहीं पकड़ा, पीछे जो है तुमने अपने धोती को ही लकड़ी जब तुम नीचे गाड़ रहे थे तो धोती फंस गई थी। तो ऐसे ही कई बार क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। कई बार व्यक्ति अंधेरे में कहीं चल रहा होता है तो कहीं से खट से आवाज भी आती है तो उसको लगता है पता नहीं क्या है, है ना। कई बार व्यक्ति को लगता है कि उससे कोई बात कर रहे हैं, कोई बात थोड़ी कर रहे होते हैं, हेलुसिनेशन भी कहते हैं इसको, है ना। तो संभव तो वही स्थिति रही होगी। तो उतने में फिर राजा तुरंत फरमाते हैं, आदेश जारी करते हैं, फरमान जारी करते हैं और कहते हैं कि इसको अभी यहीं पर इसके गर्दन काट दो। गर्दन काट देते हैं, फिर उसके बाद राजा चले जाते हैं और सब लोग चले जाते हैं। अब फिर खोपड़ी बोलती है, उसको बोलती है कि हाँ जी भाई साहब तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई, तो वो कहता है कि बकवास करने से। तो मित्रों हमें सार यह है कि हमें कभी भी अनावश्यक बातचीत में इन्वॉल्व नहीं होना है, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है। और हमारे प्रत्येक बोली का, हमारे प्रत्येक शब्द की एक कीमत होनी चाहिए। हमें तभी बोलना है जब आवश्यक हो, जब हमें कोई सुनने वाले हो, और वही बातें बोलनी है हमें जो सुनने लायक हो, जिससे दूसरे के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ जाता हो। हमें शब्दों के ऊपर संयम करने के लिए सीखना होगा। कभी भी अनावश्यक न तो किसी से बातचीत में इन्वॉल्व होना है, नहीं कभी अकेले में बैठ करके बड़बड़ाने हैं। हमें जब भी किसी से अगर बातचीत भी करनी हो तो हमें तप स्वाध्याय ध्यान के ऊपर बातें करनी है, योग के ऊपर हमें चर्चा करनी है, कैसे हम अपने दोषों से निवृत्त हो सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर के गुणों को प्रकट कर सकते हैं, उनका प्रकटीकरण कैसे संभव हो, कैसे हमें देवत्व उभर के आ सकता है, कैसे हमारे अंदर का असुरत्व पराजित हो सकता है, हमें इस विषय में लोगों से चर्चा करनी है, अगर कभी करनी भी हो तो। लेकिन अनावश्यक विषय में कभी भी कोई भी चर्चा में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, और हमें मौन रहने का भी अधिक से अधिक अभ्यास करना है। आजकल तो मौन को भी एक चिकित्सा के तौर पर भी लिया जाता है, केवल मौन रहने मात्र से भी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं बहुत बोलने के कारण उत्पन्न होती है। वैसे पारिवारिक तनाव, पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक कलह, पारिवारिक क्लेश, इसके पीछे एक कारण अनावश्यक बोलते रहना है। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, बोलने लगेंगे तो बोलते रहेंगे, क्यों बोल रहे, इसका कोई औचित्य नहीं। मैं देखता हूं मेरे ऑफिस में भी, मेरे स्थान में भी कई लोग ऐसे आते हैं, आते हुए प्रश्न मतलब किस काम के लिए आए उसकी चिंता नहीं, थोड़ी देर जैसे उनसे थोड़ी से मुस्कुरा करके बातचीत करो, उस लगेंगे भाई साहब अच्छा अब बहुत अच्छे लग रहे, बोलेंगे पहले थैंक यू धन्यवाद, फिर उसके बाद पूछेंगे अच्छा आप कहाँ से हो, अब मैं कहता हूँ कि जन्नत से हूँ, आप बोल के आप बोल रहे हैं तुझे
चलना है जन्नत तो शांत हो जाता है। कहने का मतलब व्यक्ति अनावश्यक रूप में दूसरों के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी रखना चाहता है, बहुत ज्यादा अनावश्यक जानकारी इकट्ठे करना जिसका कोई लाभ नहीं है, ना अपने लिए लाभ है ना दूसरों के लिए लाभ है। व्यक्ति को बस काम की बातें करनी चाहिए, काम की बातें, जितनी बातें उचित है बस वो बातें, जिस बात से उसका भी लाभ हो, उसे भी लाभ हो और दूसरों का भी कल्याण हो। अभी अभी कुछ दिन पहले एक हमारे अत्यंत प्रिय, अत्यंत आदरणीय, अत्यंत सम्माननीय एक संत पुरुष नितिन पंड्या जी, उनका देहांत हुआ। तो हॉस्पिटल में पहले कभी जब वो हॉस्पिटलाइज हुए थे तो वहां पर एक बहन जैसे जाती है और पहुंचते हुए पूछना, अंकल जी आप कैसे हो, तो उनका पहला वाक्य होता है, अभी आप चुपचाप बैठ जाओ, कॉपी ले लो, पेन ले लो, अब मैं जो जो बोलूंगा उसको फटाफट लिखने के लिए शुरू करो, हो सकता है श्वास कभी भी रुक जाए, तो आपको पहले वो चीजें लिखनी है, वो चीजें पहले बात करनी जिस चीज को जो छूट ना जाए, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो रह ना जाए। मित्रों वो व्यक्ति मेरे पास भी काफी दिनों तक रहे, उन्होंने भी बस मेरे से केवल वही बातें की जो काम की बातें हैं, जितने बातें करनी चाहिए बस उतने बातें, फटाफट काम की बातें, और कहते हैं कि उनको उन उन लोगों से वो मिलते रहे जिन जिन लोगों से मिलना ही चाहिए, फटाफट 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 मिल करके जो जो बातें कहनी थी वो बातें कह दी, बस उनका कहना जैसा था वैसा ही सार्थक हुआ, वैसा ही सत्य घटित हुआ कि फिर जब मिलजुल करके जब गुजरात पहुंचे हो तो वहां पर उनका देहांत हुआ। तो मित्रों हमें अपने एक भी शब्द बेकार जाने नहीं देना है, हमें इस वाणी का प्रयोग केवल काम की बातें करने के लिए करना है, काम की बातें बस, इससे अतिरिक्त नहीं। न तो आपको दूसरों के विषय में अतिरिक्त जानकारी लेने की कोशिश करनी है, न दूसरों को अतिरिक्त जानकारी देने की कोशिश करनी है, जितनी जानकारी जितनी बातें करनी है उतनी ही बातें आपको करनी है। एक हमारे पास एक भाई है, उनके साथ ऐसा ही होता है कभी कोई व्यक्ति पूछेंगे कि भैया आपका नाम क्या है, बस इतना पूछेंगे तो वो बोलने लगे, अच्छा मेरा नाम ये है, मैं पहले फला जगह पर काम करता था, उसके पहले वहां पर काम करता था, वहां काम करता था, फिर उसके बाद मैंने ये भी किया, मेरे भैया वहां पर रहते, भाभी वहां पर रहती है, मेरे माता, अरे उसकी क्या जानकारी आवश्यकता है, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति नया व्यक्ति मिल गया, मेरे को पहले थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है कि ये व्यक्ति मिलते हैं उसको क्या क्या सुनाने लगे पता ही नहीं चलता है। मिलते हैं और तुरंत बोलने लगे, अच्छा ऐसा ऐसा है, मैं तो पहले उसमें फोटोग्राफर था, वहां पर मैंने ये किया, मैं उसको जानता हूँ, अरे उसका क्या औचित्य है, दूसरे को जानने की कोई आवश्यक जानने की कोई इच्छा ही नहीं और आपको बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब मित्रों हमें अपने ऊर्जा का संचय करना है, हमें केवल वही बातें एक दूसरे को बतानी है जो दूसरे के लिए बहुत उपयोगी हो, जो दूसरे के लिए अत्यावश्यक हो, जिसे जान करके दूसरों की उन्नति होती हो और जिसे बता करके हमें संतुष्टि होती हो, हमें लगता हो कि इस बात को बताने से दूसरों का कल्याण होगा, दूसरे इस बात को अगर सुन लेगा तो वह व्यक्ति धन्य हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है, तो हमें केवल वही बातें करनी है। लेकिन जिस बात का कोई औचित्य नहीं, जिस बात को सुन करके, जिस बात को जान करके, जिस बात के ऊपर चिंतन मनन करके भी दूसरे को कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ मिलने वाला नहीं है, हमें उस बात में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी हानि नुकसानी हमें झेलनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अब वह शिकारी, ठीक है उसको एक तो वहां पर कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि खोपड़ी के साथ किसे तुम कौन हो क्या हो, अरे खोपड़ी खोपड़ी है, छोड़ देता अपना जो काम जिस काम के लिए गया वो काम कर लेता है ना, जिस उद्देश्य से गया जिस ध्येय के लिए गया बस उस ध्येय को पूर्ण करने में लग जाता तो उसको अनाहक में उसको ऐसे ही जो है अपनी आयु को गंवाना न पड़ता, वह पूर्ण आयु को
प्राप्त हो जाता है, लेकिन वह अनावश्यक बकवास में इन्वॉल्व हो गया। और अच्छा चलो उसको ऐसा लग भी गया, हेलुसिनेशन हो भी गया, तो भी क्या उसको भागते हुए राजा के पास जाने की आवश्यकता थी? नहीं ना। लेकिन व्यक्ति सोचता है नहीं, तुरंत बताए मैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि दूसरे से जानकारी ले लो, तुरंत बोलो कि अच्छा अच्छा आपके विषय क्या है, और तुरंत फोन करेंगे। अब आजकल तो इतने सारे माध्यम, व्हाट्सएप करेंगे, इधर करेंगे, उधर बोलेंगे कि देखो उसके विषय मुझे ये पता चला। अरे जान करके क्या करोगे तुम उसको, उसका कहाँ प्रयोग करोगे? अच्छा तुमने अपने समय का भी दुरुपयोग किया, अपने समय की भी इज्जत नहीं की, दूसरे के समय की भी इज्जत नहीं की, अपना समय भी खराब किया, दूसरे का समय भी खराब किया। तो मित्रों हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि जब भी आपको समय मिले आपको मौन रहना है, और बोलना भी है तो उतने ही बोलना है जितना आवश्यक है। आपको वो बातें बोलनी है जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरों को जीवन जीने की कला सीखने को मिले, दूसरे को उन्नति प्रगति समृद्धि के राह पर चलने का मौका मिले, दूसरा व्यक्ति भी अपने जीवन लक्ष्य की ओर फोकस्ड हो जाए। हमें वह बात करनी है, अन्य बातें नहीं करनी है। या तो मौन रहना है, अगर बोलना ही है तो हमें वही बातें बोलनी है जिससे हर एक व्यक्ति जीवन लक्ष्य की ओर चल पड़े, अन्यथा हम सबको अपने लक्ष्य में ही फोकस्ड रहना है। बी फोकस्ड इन योर ओन गोल। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।